यूके स्टडी वीजा की गल करांगे, सितंबर इनटेक दे उपर फोकस करना है। देखो चाहे के लग रहा है कि हले सितंबर नू बहुत टाइम पे है, पर इत्थे अगर स्टूडेंट डिले करते हैं तो कितने ना कितने उन्हां लिए बहुत वड्डी गलती हो सकती है। क्यों ये गलती हो सकती है अज की वीडियो विच जरूर दसांगे कि जेकर तुसी सितंबर इनटेक लिए अपलाई करना है हुणे ही तुहानू अपलाई करना पएगा जे तुसी इस इनटेक दे लई वीजा चाहते हो। तो काफ़ी खास गल्लां अज की वीडियो विच सांझियां करनियां तुहाडे नाल, मैं हरजोत कौर, और डिटेल विच पूरी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे Navigators Overseas तो वीजा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार सारे। सो नैविगेटर्स ओवरसीज जो कि 27-28 सालों तो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स नू, और इन्हों की गाइडेंस के नाल कई ही स्टूडेंट्स ने जो है अपना विदेश जाने का सपना साकार किया है, जिथे वो पढ़ना चाहते थे अज कई की लाइफ सैटल हो चुकी है। तुसी भी उन्हां विचों एक बनना चाहते हो तो जरूर पहला तो जिहड़ी ये वीडियोज़ हुंदियां ने इन्हां नू गौर नाल जरूर सुनो। मैम बड़े ही चंगे ढंग नाल हर एक गल एक्सप्लेन करते हैं, मैम दे लाइव शोज़ भी रहिंदे ने साढ़े इन्हां सारे चैनल्स उपर, इस उपर भी तुसी उस लाइव सैशनज़ विच जुड़ के भी लाइव गलबात कर सकते हो या फिर नैविगेटर्स ओवरसीज के ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। सो मैम जब आप गल यूके स्टडी वीज़ा की करिए, सितंबर इनटेक की गल करते हैं, इतने स्टूडेंट्स को तुसी खास तौर पर की गाइड करना चाहोगे, क्योंकि स्टूडेंट विदाउट आयल्स विदाउट इंटरव्यू करके यूके खास समझदा, पर ओवरऑल आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू तो भी देखिए तो इतने स्टूडेंट को तुसी की समझाना चाहोगे? हर जो हर कंट्री का इस टाइम कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई अपडेशन कोई कुछ, यूके की भी बहुत जल्दी आने वाली है, हो सकता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद कर दें, पहले भी इन्होंने 5-6 साल बंद रखा सीगा, और या हो सकता है 2 साल की जगह 1 साल कर दें, या फिर कुछ लिमिटेड कोर्सेज दे नाल करन। ये जेड़ा इस करके स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक का बेनीफिट चेक सकते हैं, और सितंबर के वास्ते क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 ईयर है, विदाउट आयल्स बच्चे जा सकते, जिहड़े स्टूडेंट्स नूं थोड़ी प्रॉब्लम लगती आयल्स करन च या लगता कि हजे इन्ना टाइम नहीं है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश दे विच। जिहड़े स्टूडेंट 12th पास है और हर सब्जेक्ट 60% है, कोई मर्जी बोर्ड होए, क्योंकि स्टेट बोर्ड की काफ़ी जगह प्रॉब्लम रहती है, असी ये तुहानूं स्टेट बोर्ड च कोई सानूं प्रॉब्लम नहीं है, बस हर सब्जेक्ट 60% होए और इंग्लिश 70% हो, विदाउट आयल्स विदाउट इंटरव्यू असी तुहानू जिहड़ा खाली 4,000 पाउंड च कैश लैके देवांगे, और वीज़ा तुहाडा बड़ा आराम नाल निकलेगा। स्टूडेंट्स किस गल्लां दा ध्यान रखन, देखो जिहड़ा कोर्स है वह अच्छा जरूर चोन करो, क्योंकि जो कोर्स अच्छा है तुहानू जॉब जरूर मिलेगी, जॉब मिल गई तो फिर तुहानू जिहड़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 ईयर दा, या फिर तुसी उहनू वर्क परमिट च कन्वर्ट करा सकते हो, या क्योंकि यूके दे विच जिहड़ी मास्टर्स कोर्स है वह जस्ट 1 ईयर का, और फीस एज लो एज 10,000 पाउंड और एज हाई एज 23,000-25,000 डिपेंड करता है। आन एन एवरेज बच्चा जिहड़ा है वह 11,000-12,000 तो लैके 14,000-15,000 पाउंड तक कंफर्टेबल रहिंदा है, जिन्ने हज़ार पाउंड है उन्ना क लख नूं तुसीं कन्वर्ट कर लो, इन्ना क ही चलता है। तो फंड्स जिहड़े है वह खाली 28 दिन पुराने दिखाने हैं। हुण थोड़ा जिहा देखो, सारी कंट्रीज़ तो इस टाइम यूके कंफर्टेबल है, क्योंकि फंड्स भी 28 दिन पुराने दिखाने हैं, और तुहानू जिहड़ा 6 मंथ की फीस दे के तुहानू कैश मिल रही है, या बहुत घट फीस दे के तुहानू कैश मिल रही है, बिना आयल्स दे तुसी अप्लाई कर सकते हो, तो एक अच्छी चोन इस टाइम स्टूडेंट्स वास्ते बन सकती है। कोर्सेज किहड़े लोगे यूके दे विच, एक आम बच्चा भी जा सकता है जिहड़ी कोई एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, मीनस तुसी MBA या मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, लेकिन जो तुसी बहुत स्किल वाले बच्चे हो, अच्छे पढ़न वाले बच्चे हो, IT का कोर्स जरूर लो या हेल्थ साइंस तो रिलेटेड लो, क्योंकि जॉब बहुत ज़्यादा रहिंदी IT और हेल्थ साइंस, वो तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यूके का थ्रैशहोल्ड 35,000 पाउंड का होना हो गया वर्क परमिट वास्ते। जे तुहाडे कोल अच्छा कोर्स होएगा तो जरूर जॉब वो अच्छी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पे स्केल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्थ विच भी पे स्केल तुहाडा अच्छा हो जाता है, IT दी जॉब्स दे विच भी, तो इन्हां दे विच तुहानू अगे सैटलमेंट जे लैना चाहते उहदे विच फिर तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी हिसाब।
जी बिल्कुल, देखो ये सारियां गल्लां जिस उपर स्टूडेंट नू जरूर फोकस करना चाहिए, जेकर तुसी चाहते हो कि अगो सितंबर इनटेक लिए अप्लाई करके तुसी अपना वीज़ा जरूर ले लो। सो नैविगेटर्स ओवरसीज सो पूरी इनफॉर्मेशन लैन दे लई जिहड़ा नंबर डिस्प्ले है इस उपर तुसी कॉल कर सकते हो। सो स्टूडेंट जड़ी ऑप्शन मांगते हैं विदाउट आयल्स विदाउट इंटरव्यू, वो भी जो है डिटेल विच जरूर समझ लैन किहड़ियां ऑप्शनस ने जिन्हां ते तुसी अप्लाई कर सकते हो और तुहाडी प्रोफाइल दे विच की कुछ होना लाजमी है ताकि तुसी चंगीआं ऑप्शनस दे नाल अगे वध सको। बहुत बहुत थैंक्स मैम, ये डिटेल विच यूके स्टडी वीज़ा नूं लैके तुसी स्टूडेंट्स नूं कई खास गल्लां जो है अज गाइड कीतियां ने। अगों भी असीं इसे तरह नाल होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही दिओ जी इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।